दोस्तों आज हमारे पास देखिए एचपी का स्मार्ट टैंक 525 प्रिंटर, जो कि काफी अच्छा प्रिंटर माना जाता है। हम लोग इसको अनबॉक्स करेंगे और इसको इंस्टॉल करेंगे और देखते हैं कैसा इसका क्वालिटी, प्रिंट क्वालिटी होने वाला है, कलर प्रिंट क्वालिटी कैसा है, ब्लैक एंड व्हाइट प्रिंट क्वालिटी कैसा है। तो ये आपको 12,000 की रेंज में मार्केट में और ऑनलाइन में मिल जाता है, तो काफी अच्छा प्रिंटर है। इसको हम लोग करते हैं अनबॉक्स। सबसे पहले ये बॉक्स आपको देखने को मिलेगा और इस बॉक्स के अंदर आपको क्या क्या देखने मिलते हैं, मिल जाते हैं तीन कलर, रेड येलो और ब्लू, और एक ब्लैक कलर आपको मिल जाता है, ब्लू कलर मिल जाता है, रेड कलर और येलो कलर, चार कलर आपको मिल जाते हैं। साथ में एक यूजर मैनुअल मिल जाता है, एक पावर केबल मिल जाता है और एक यूएसबी केबल मिल। साथ में इसके मिलता है कार्टेज, एक कलर कार्टेज और एक ब्लैक एंड व्हाइट कार्टेज, दोनों कार्टेज आपको साथ में मिल जाते हैं। देखिए इसका इंक ऐसे डाला जाता है, ये देखिए बंद है, यहाँ से आप ऐसे खोलेंगे और इसका इंक डालने के लिए सिंपली करना कुछ नहीं, बोतल को आप ऐसे खेलेंगे, हल्का सा हिला लेंगे और उसके बाद आपको जरा कुछ नहीं है, देखिए बंद है। उसके बाद आपको इस पर रखना है ऐसे 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 रख दिया, देखिए ये सामने लिखा है, ये देखिए, और इसको देखिए पूरा इंक एक बार में आ जाता है। तो देखिए अच्छे से पकड़, इसलिए हमें इंक अच्छी तरीके से जा चुका है, इसमें एक वाल्व लगा होता है, इसमें देख सकते हैं येलो के बाद हम लोग रेड वाला डालेंगे, देखिए रेड वाला डालेंगे, इसको भी ऐसे खोलेंगे और इसको भी इसी प्रकार से देखिए ऐसे ही रखना है और ऐसे पुश करना हल्के से ऐसे, ये बहुत अच्छा लगा हमको देखकर कि इस प्रकार से इसमें कलर की फिलिंग ऑप्शन है। देखिए यहाँ से खुलता है, ये ग्रेड को हम लोगों ने बंद किया, इसको उठाएंगे, इस कलर को भी ऐसे बैठाएंगे और इसको भी ऐसे प्रेस करना है, एक दिक्कत ना है, इसमें रबड़ का लाकर रहता है इसलिए कोई दिक्कत नहीं होती भरने में, तो काफी अच्छा, कोई दिक्कत नहीं, बहुत ही अच्छा लगा हमको इसका रिफिलिंग सिस्टम, जो रिफिल करना इसको काफी अच्छा है। तो पावर को ऑन कीजिए और हम लोग पावर को ऑन करेंगे और उसके बाद लगाएंगे कार्टेज को, देखिए दोस्तों जो ब्लू कलर का है इसको हमको प्रेस करके छोड़ देना, इसको इसे है तो इसको प्रेस करके छोड़ देना है, ऊपर आ जाएगा। उसके बाद इसको सिंपली क्या करना है, ऐसे हल्का सा आपको इन आगे खींचना है, बस आ निकल जाएगा। अब ये निकल गया है और सबसे पहले हम लोग लगाएंगे रेड कॉर्टेज, तो इस प्रकार से निकालना पड़ेगा, बैठ जाएगा। उसके बाद फिर क्या करना, देखिए ब्लैक ब्लैक वाला ब्लैक में, ये वाला कलर ये कलर दिया हुआ है, तो इसको ऐसे हम लोग निकाल लेंगे, इसको हम लोग ऐसे निकालेंगे, इसको हम लोग दोनों बैठ चुके हैं, इसके बाद इसको हम लोग ऐसे दबा देंगे, इसको कर देंगे बंद, इसको जैसे बंद कर देंगे।